ठीक है दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग सभी को। और हम लोग फिर से अपनी क्लास पे आ गए हैं, पुरानी जैसी क्लासों पर। रीडिंग वाली फिर से स्टार्ट हो चुकी है, और जिसमें से आप ये देखते हैं कि हम लोग जहाँ पे पढ़े थे उसके आगे की क्लास है हमारी। और हम लोग ये देखते हैं कि अब इसमें वर्ड की फॉर्मेशन है। कहने का मतलब, जैसे अगर आपको ये शब्द दे दिया जाएगा कोई चीज़, तो इसमें से दो चीज़ें बनती हैं आपको। या तो ये पूछ लेगा किस शब्द का यूज करके बनाया जा सकता है, या तो ये पूछ लेगा कि किस शब्द का यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बस हमें इन्हीं चीज़ों को देखना है, और इन चीज़ों को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से आप बस आराम से समझिएगा और सोच देखिएगा। फिर उसके बाद आप देखिए कैसे चीज़ें आपसे एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन देखें, आंसर, ठीक है, दो तरीके से इसके आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब इसमें से कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। लेकिन वैसे ही ये नहीं पूछा है, तो जाहिर सी बात है तीन ऐसे होंगे जो इसमें से हो रहे होंगे, तो बस उन्हीं को देखना है कौन से हो रहे हैं। या तो उन तीनों को हम देख लें जो हो रहे हैं, या तो फिर ये देख लें कि जो नहीं हो रहा है। तो बस इसमें दो तरीके हैं, हम आपको दोनों तरीके से समझाएंगे। बस हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि लैंडस्केप, अक्षरों का मतलब, एक स्केप लिखा हुआ है, अक्षर लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन अक्षरों का यूज करके निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मींस इतने शब्द आपको दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इन सब का अगर हम यूज करेंगे तो वो हम नहीं बना पाएंगे, या फिर इनमें से नहीं होगा। तो ठीक है, देखते हैं दोस्तों। देखिए ये लिखा हुआ डांस, DANCE, मीन्स इसमें सी भी है, एन भी है, डी भी है, ए भी है और ई भी है। तो मतलब ये तो होना ही होना है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा है SCAN, स्कैन। अब देखिए यहाँ पे S भी है, C भी है, A भी है और N भी है, मींस ये भी नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या देखते हैं कि SAND, आपको S मिलेगा, A मिलेगा, N मिलेगा और D मिलेगा, मतलब ये भी नहीं है आपका आंसर। आंसर में पूछा है कि क्या नहीं हो सकता, या कौन सा शब्द नहीं बन सकता, आपको ये बताना है। ये तो तीनों बन ही रहे हैं, तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिना सोचे समझे आपको इसको मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप टिक करिए, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एस भी है, सी भी है, ए भी है, पी है, लेकिन कहीं आर इसमें है, इसमें आर कहीं है, आर कहीं नहीं है, तो मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा। पहली चीज़, ये तो हमने जो हो रहे थे उनको एलिमिनेट किया, तब हमें मिल गया कि जो नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए, अगर सब में देखते जाएं, आप सबको एक बार देखिएगा एक नज़र से, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पे आर मिलेगा आपको, या फिर आप वर्ड को पढ़ेंगे स्क्रैप, सैंड, स्कैन, डांस, तो इसमें आर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आर को हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं आर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, फिर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस आपको इसमें समझना है कि लिखा हुआ है इंटेलिजेंस, इनमें से इन अक्षरों का यूज करके हम कौन सा शब्द नहीं बना सकते। आप देख रहे हैं सारी चीज़ इसमें दी हुई हैं। स्टार्ट करते हैं वन नंबर से। अब इस बार हम वो नहीं चेक करेंगे कि किससे हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि उसमें तीन बार चेक करते थे तब हम एक आंसर में मिलता था। अब इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं है और जो इसमें है, ठीक है, देखते हैं। पहले आंसर से चेक करते हैं, पहले ऑप्शन से, तो आपको जी मिल जाएगा, जी यहाँ पे है, आर आंसर आपका मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आर कहीं है, यहाँ तो आर मिल जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं आर दिखाई दे रहा है, आपको इसमें आर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड्स, जो भी लिखा हुआ है ग्रैंड्स, ये हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं ये लोग हैं कि नहीं है। TELL, यहाँ टी है, ई है, डबल एल भी है, मतलब ये तो नहीं होना है। ENGINE, यानी ये भी नहीं होना है। NICE, नाइस, ये भी नहीं होना है। मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दो क्वेश्चन बहुत है इसके लिए, और हम लोग थोड़ा सा अपना टाइप चेंज करेंगे, और ये देखेंगे कि अब नेक्स्ट टाइप में क्या होता है। जैसे यहाँ पे था कि किसका यूज करके हम लोग नहीं बना सकते हैं, अब हम देख लेंगे किसका यूज करके हम बना सकते हैं। अब दो क्वेश्चन आपके हैं, आप प्रैक्टिस करिए। अगर हाँ, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप उसके कमेंट के माध्यम से आप हमें बोल सकते हैं, और हमें भेज सकते हैं अपने जो प्रॉब्लम है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, और इसमें हमें देखते हैं कि अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि किन अक्षरों का यूज करके, मतलब ये जो आपको यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ होता था, सेंटेंस मीन्स एक वर्ड पूरा कह सकते हो, तो एक जो पूरा वर्ड लिखा हुआ होता था
उस वर्ड का यूज करके हम इनमें से कौन सा बना सकते थे, यानी कौन सा नहीं बना सकते थे, ठीक है। लेकिन अब बात किसकी कर रहा है, कौन सा हम बना सकते हैं। तो बस आपको यही देखना है कि इनमें से हम कौन सा बना सकते हैं। तो क्वेश्चन तो वही है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अक्षरों का प्रयोग करके वहाँ था नहीं बनाया जा सकता, यहाँ था बनाया जा सकता है। बस आपको ये देखना है, आपको बस हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ड इसमें है जो हम जिसको केवल एक ही ऐसा होगा जिसको हम बना सकते हैं, बाकी तीन ऐसे होंगे जिससे नहीं बनेगा। तो पहले से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा SWEET, पहले में ही आपको आंसर मिल गया, कैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए हम यहाँ पे ये देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे S भी है, W भी है, डबल ई ये भी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ में ये नहीं है कि ये आपका जो ठीक है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा अपने पुराने क्वेश्चन पे चले गए थे। इसमें ये कह रहा है कि इसका यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ टी है और यहाँ टी नहीं है, तो ये तो नहीं बनने वाला है एक चीज़, ठीक है। यहाँ पे टी है और इसमें टी कहीं है नहीं है। अब यहाँ पे ओ और यू है लेकिन इसमें कहीं ओ यू है नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब बात आती है रिपीट, आर ई पी ई ए टी जो लिखा हुआ है रिपीट, यहाँ यहाँ से आपको R मिल जाएगा, E मिल जाएगा, P मिल जाएगा, लेकिन A इसमें है, इसमें A कहीं नहीं है, A है, तो ये भी आपको आ जाएगा। लेकिन इसमें T कहीं दिखाई दे रहा है आपको, इसमें T है नहीं है और इसमें T है, तो मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अब लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है तो आप उसको आँख मूंद कर टिक कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। और चेक भी कर लेते हैं, डब्ल्यू ए एस टी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी यही एक ऐसा वर्ड है जो हम इन शब्दों का यूज करके इसको बना सकते हैं, और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका यूज करके हम बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो थोड़ा बहुत डाउट जो होगा वो भी क्लियर हो जाएगा हमारे अगले क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट भी करिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है दोस्तों। उसी टाइप में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्लिनिकली, ये हमारा जो वर्ड है ये लिखा हुआ है क्लिनिकली। अब हमें यह देखना है कि इस जो इसमें वर्ड लिखे हुए हैं, जो भी शब्द लिखे हुए हैं, जो भी अक्षर लिखे हुए हैं, उनका यूज करके इनमें से हम ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस यही चीज़ देखना है, तो स्टार्ट करते हैं। सी एल आई एन आई सी ए एल, क्लिनिकल तो हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको ये क्या हो गया, क्लिनिकल, और यहाँ पर ये एस नहीं रहेगा तो ये क्लिनिकल हो गया। तो क्या ये लगता है आपको बनाया जा सकता है इससे, जी हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा बन जाएगा। लेकिन अब इसको भी हम चेक करेंगे, वैसे आंसर तो हमारा हो गया, अब चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन देख लेते हैं क्या इनमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से ये नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इनमें ये भी देखेंगे कि किस वजह से ये लोग नहीं बन पा रहे हैं। तो बस ये आपका सी वाई, सी वाई एन आई सी ए एल एस। अब इसमें ये देखना है कि इस चीज़ में आपका एस कहीं नहीं है और इसमें एस है, इस वजह से ये तो नहीं बनने वाला है। इसको देख लेते हैं, सी वाई एल आई एन डी, इसमें देखिए डी आपको मिल जा रहा है, डी सिलेंडर, तो ये डी मिल रहा है लेकिन इसमें कहीं डी नहीं है, ये भी नहीं होगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ तो जाहिर सी बात है वो ही नज़र आ रहा है, वो इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारा इसका आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, थोड़ा बहुत वर्ड मिस्टेक हो जाता है उसको आप समझ लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है आपको ना कि चीज़ें आखिर प्रोसेस क्या हो रहा है, इसमें चल क्या रहा है, कैसे हम ढूंढेंगे, कैसे नहीं ढूंढेंगे, तो वही चीज़ आपको देखना है। ये चीज़ अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो फिर आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आपके उतने ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होंगे और उतने ज़्यादा आंसर आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम इसको देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। और इसमें एक चीज़ देखिए, हमने कुछ इसको कलर किया, कलर मीन्स कहीं कहीं हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट इसलिए कर दिया कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और आपको समझने में दिक्कत ना हो, चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी कि इसमें क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ कि बबल शब्द के पहले दूसरे पांचवे और अंतिम अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो निम्नलिखित में से उस शब्द का प्रथम अक्षर मीन्स पहला अक्षर कौन सा होगा या पहला अक्षर कौन होगा। तो आपको ये बताना है कि पहली बात इसमें पूछ के क्या क्या रहा है, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, पांचवा
पहला दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा चौथा और ये पांचवा है आपका, और उसके बाद क्या कह रहा है, और अंतिम, ये छठा समझ लीजिए और क्या। अब उसी उन्हीं वर्ड को हम यहाँ लिख लेते हैं। एक बी है आपका, फिर यू है, फिर एल है, फिर ई है। अब कह रहा है कि इन चारों वर्ड का यूज करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अब क्या लगता है, क्या ये बन सकता है? देखिए, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा बुक रीड करते होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी होगी, तो आप लोग देखते होंगे कि तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि देखिए हम इससे क्या बना सकते हैं। बी एल यू ई, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा आप क्या बनाओगे इसमें? मुझे नहीं लगता कि दूसरा इसमें कोई और बनाओगे, बाकी बनने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। एल यू बी ई, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो बी बी ई, और कोई सा वर्ड नहीं बनेगा, आप सब परेशान मत होइए, कोई मतलब नहीं है इन सब का। तो बस हम ये देख लेते हैं कि वर्ड कौन सा बनेगा हमारा। तो हमारा जो वर्ड बनेगा उसमें से वो होगा ब्लू। क्या होगा दोस्तों? ब्लू होगा, ठीक है। अब ब्लू का मतलब आपको पता ही है, नीला होता है। आपको ये बताना है कि उस शब्द का प्रथम अक्षर कौन सा हो जाएगा। पूछ रहा है कि इस चीज़ का जो प्रथम अक्षर है वो उनमें से कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दिक्कत हो गई है, यहाँ पे हम लोग बी ले लेते हैं, ठीक। अब आप बताइए इसमें से इसका जो पहला अक्षर होगा, जाहिर सी बात है कि ये आपका पहला अक्षर होगा, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, चार अक्षर हैं, तो पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा? बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं कि ये लिखा हुआ है बबल। बबल शब्द के पहले, पहला मीन्स बी, दूसरे मीन्स यू, पांचवे मीन्स एल, और अंतिम मीन्स छठवां अक्षर जो है वो ई है, का अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। तो निम्न में से उस कौन उस शब्द का प्रथम अक्षर होगा? तो अगर इन चारों का यूज करके अगर कोई सार्थक शब्द बन रहा है जिनकी कोई मीनिंग निकलती है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा उसका पहला अक्षर होगा। तो हमारा ब्लू बन रहा है, और ब्लू का जाहिर सी बात है ब्लू बी से स्टार्ट होता है, बी एल यू, तो इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, हम इसमें नेक्स्ट अपना टाइप देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जो भी डाउट होंगे आपके उस वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी डाउट उसमें रहा होगा इसमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ताकि ये आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ पे हम, यहाँ पे बात कर रहा है तो उसका प्रथम अक्षर, यहाँ मध्य अक्षर कर लेते हैं, उसमें क्या है, प्रथम देख लेंगे, मध्य देख लेंगे, सारे देख लेंगे, तीन चार इसमें देखेंगे, मध्य देखेंगे, प्रथम देखेंगे और अंतिम देखेंगे। इसमें से क्या होगा कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, कह क्या रहा है, ये लिखा हुआ है वंडरफुल, ठीक है। तो कह रहा है कि वंडरफुल शब्द के तीसरे शब्द, तो तीसरा ये होगा आपका, और चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, छठवा ये हो जाएगा, और आठवा, सातवा, आठवा। तो कौन कौन सा वर्ड बाहर निकल रहा है? एन डी ई आर यू, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि इससे एक ऐसा हमें वर्ड बनाना है, या ऐसा वर्ड बनाना है जिसे कोई मीनिंग निकले, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और मीनिंगफुल वर्ड जब बन जाएगा तो हम इसमें से देखेंगे कि हमारा कौन सा, ये तीन क्वेश्चन इसी पे हम बनाए इसी के बेस पे, और तीनों के आंसर हम दे देंगे, और जो भी डाउट होंगे मध्य पहले अंतिम वो क्लियर हो जाएगा इसमें से, ठीक है दोस्तों। तो बस देखते हैं, देखिए अब जो इस ये वर्ड है, इस वर्ड से आप जब फॉर्म करोगे तो ये बनेगा अंडर, यू एन डी ई आर, ठीक है दोस्तों। कौन सा वर्ड बनेगा? ये अंडर, ठीक। अब जो हमारा ये अंडर वो बन गया, मीन्स जो वर्ड बन गया, अब हमें क्या करना है इसमें? अब अंडर हो गया और एक मीनिंग भी निकल रही है, बाकी तो मुझे लगता है इसमें से कोई बनेगा और बनेगा भी नहीं, आप देख लीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें सीधे देखते हैं कि पहले इसका मध्य अक्षर, मध्य अक्षर का मतलब होता है कि जो बीचों बीच वर्ड हो, दो इधर हैं तो बीच में ही पड़ेगा, तो जो इसका मध्य अक्षर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डी। तो इसका आंसर, पहले का आंसर आपका जो ये मध्य अक्षर था उसका तो डी निकल आया, ठीक है। अब कह रहा है इसका प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा, तो आप बताइए प्रथम अक्षर आपके नज़र में क्या लग रहा है होना चाहिए? यू होगा, ये आपका प्रथम अक्षर हो जाएगा। और फिर ये पूछ लिया है कि अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, तो अंतिम अक्षर इसका ये हो जाएगा,
आर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ लेता है चौथा अक्षर क्या होगा तो आपका ई हो जाता, दूसरा अक्षर क्या होगा तो आपका वो एन हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे हमने दोनों टाइप्स बता दिए हैं और दो दो क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप इस पर खुद प्रैक्टिस करिएगा। दो क्वेश्चन में लगभग पाँच क्वेश्चन हो गए, क्योंकि तीन चार तो इसी में हमने समझा दिए हैं, टाइप यही रहेगा। बस आपको थोड़ा सा वर्ड के विषय में पता होना चाहिए, मीनिंग के विषय में पता होना चाहिए कि उसकी क्या मीनिंग बनेगी, या फिर कुछ वर्ड आपको दे दिया जाए तो आप कैसे उसको बनाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। ये इसी क्रम में एक इसका ये वर्ड फॉर्मेशन में ही एक मतलब फोर्थ टाइप है। अभी तुम लोगों ने थर्ड टाइप देखा, ये फोर्थ टाइप है। इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जो आपको वर्ड है वो थोड़ा जंबल वर्ड होगा। जंबल मीन्स कि एक सीक्वेंस में नहीं होगा, कुछ आगे पीछे होंगे, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करके एक सार्थक शब्द बनाना पड़ेगा। सार्थक का मतलब समझते हैं जिसकी कोई मीनिंग निकले, एक ऐसा शब्द बनाएंगे और उस शब्द बनाने जब वो शब्द हमारा बन जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि उसका प्रथम अक्षर जो है यानी उसका पहला अक्षर है वो क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और वर्ड लिखते हैं पहले क्या क्या है। ई आर टी ई टी बी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता, तो मैं आपको बता रहा हूँ इससे बनेगा बेटर। बी ई डबल टी ई आर बेटर, जैसे हम लोग बेटर ही हैं, ठीक है, तो वैसे ये भी बेटर होगा, ठीक। तो अब देखिए बेटर जो है, अब एक शब्द तो हमारा बन गया लेकिन ये पूछ क्या रहा है। मान लीजिए इसी में आपका जो ऑप्शन दे देता है, ऑप्शन हम भी ले लेते हैं वन, मान लीजिए यहाँ पे सी दे दिया, ऑप्शन बी में यहाँ पे ई दे दिया और ऑप्शन क्या बचता है आपका सी, सी में आपका बी दे दिया और डी, डी में आर दे दिया। तब आपको ये बताना है, चार ऑप्शन भी हम लोगों ने बना लिया तुरंत, तो बस अब आपको ये देखना है इसका प्रथम अक्षर। प्रथम अक्षर का मतलब जो पहला अक्षर होगा, जो पहला अक्षर होगा वो कौन सा है, बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा उसमें से सी हो जाएगा, मींस नंबर सी होगा लेकिन जो ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन में है वो आपका बी ही है, तो मींस आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगर आपको आ रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये देखते हैं कि वहाँ से हम लोग ये क्लियर कर लेंगे कि जो हमारे जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स और हैं वो क्लियर हो जाएंगे केवल इसी एक क्वेश्चन से, क्योंकि हमने इसमें ऑप्शन कितने लिए हैं, वन टू थ्री फोर, फोर ऑप्शन तो यहाँ हो जाएंगे, एक ऑप्शन यहाँ से आपको मिल ही जाएगा, तो लगभग फाइव सिक्स आंसर करके चेक करके और क्लियर कर लेंगे कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो बस वर्ड देखते हैं, वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है टी टी ए D P E R N M E। अब आपको ये बताना है कि इस वर्ड को अगर व्यवस्थित क्रम में किया जाए तो अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, या फिर अर्थपूर्ण शब्द हम लोग क्या बनाया जा सकता है जिसका प्रथम अक्षर, पांचवा अक्षर, तीसरा अक्षर, आठवां अक्षर क्या होगा। आपको ये बताना है कि पहले में उसका प्रथम अक्षर क्या होगा, फिर उसका तीसरा क्या होगा, उसका पाँचवा क्या होगा, उसका आठवां क्या होगा। ये चीज़ हम लोग तब पता चल जाएगा जब हम उसको वर्ड को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड को यहाँ लिखते हैं, वर्ड हमारा है टी टी ए डी पी ई आर एन एम ई, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वर्ड से हम क्या बना पाएंगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं आपको जो बनाने चल रहा हूँ वो देखिए, डी ई पी ई आर, डी E P E R D E P A R T department M E N T। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यानी हमारे जो वर्ड हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और हम लोगों ने सही सही यानी जो वर्ड जरूरत थी हम लोगों ने वही बनाया भी है, यानी हमारा जो वर्ड बन के आया है वो आया है डिपार्टमेंट। तो अब कुछ भी नहीं कह रहे, पहले तो सबसे पहले हम पहले का आंसर देंगे कि सबसे पहला अक्षर जो होगा वो क्या होगा। दोस्तों आप बताइए सबसे पहला अक्षर कौन सा होगा, डी, तो आपका डी हो जाएगा,
ये तो क्लियर हो गया। अब आपके जो ये सारे आंसर हैं इसके लिए तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी में चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पांचवा अक्षर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा अक्षर जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ये पहला अक्षर डी हो जाएगा। तीसरा पूछ रहा है कि तीसरा अक्षर इसका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपको तीसरा अक्षर बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो जो इसका तीसरा अक्षर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूछा आठवां अक्षर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो इसका आठवां अक्षर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से आई होंगी, क्योंकि और जो ये वर्ड है, फॉर्मेशन है, इसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें आपको एक दो बार में क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन तरीका आपको अच्छे से बता दिया गया है, तरीके क्या हैं, कैसे आपको करने हैं वो चीज़ आपको दिखा दिया गया है, वो चीज़ आपको बता दिया है, और आपको बहुत अच्छा लग भी रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी और समझ में आ रही हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए कमेंट भी करिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।